इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ को हमने इसके भाग एक में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर छापे गए वाक्य इस प्रकार थे, जो कि हमने पाठ में पढ़ा था ना, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो उस फिल्म में कुल 78 चेहरे थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी और उसी से उनको प्रेरणा मिली। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल को फिल्म से हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए मुकदमा कर दिया और वे जीत गए। वह भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। पहली संवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? पहली संवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय संवाक फिल्मों का पिता कहा। अर्देशिर ने क्या कहा? तो उस वक्त अर्देशिर ने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। इस प्रसंग में लेखक ने अर्देशिर को विनम्र कहा है। पाठ से आगे, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें देहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेत्री व अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें दैहिक अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें उनकी केश सज्जा व उनके कपड़ों की नकल करने लगी। हिंदी उर्दू का प्रचलन बढ़ने के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी फिल्म बनने लगी। तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, आवाज को अलग से रिकॉर्ड करना आदि। डब फिल्में किसे कहते हैं? जब किसी एक भाषा में बनी फिल्म पर दूसरी भाषा में संवाद बोले जाते हैं, यानी भाषा का रूपांतरण किया जाता है, तो उसे डब फिल्म कहते हैं। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो अभी हमने पढ़ा ना कि डब फिल्म कौन सी होती है,
जिसमें एक भाषा पर बनी फिल्म पर दूसरी भाषा में संवाद बोले जाते हैं, यानी इसमें दोनों की भाषाओं में अंतर होता है ना, इसलिए कभी कभी डब फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब ऊपर से रिकॉर्डेड, आवाज की भाषा अलग होने के कारण मुंह खोलने की प्रक्रिया में अंतर आ जाता है। अनुमान और कल्पना। किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठाकेदार हंसी कैसे दिखेगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो ये आप अभिनय करके स्वयं देख सकते हो, ठाकेदार हंसी बिना आवाज के साथ। मूक फिल्म देखने का एक उपाय ये है कि आप टेलीविजन की आवाज बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो ये आप अपने घर में टेलीविजन की आवाज को बंद करके देख सकते हो और समझ सकते हो कि फिल्म में संवाद और दृश्य की कितनी हिस्सेदारी होती है। भाषा की बात। संवाक शब्द वाक के पहले स लगने से बना है, स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं, जैसे हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। तो इनके साथ हमें स उपसर्ग लगाना है और उसके बाद जो नया शब्द बनेगा तब उसके शब्दार्थ में क्या अंतर आएगा उसको समझना है। जैसे हित का अर्थ है भलाई और हित के साथ स जुड़ने से बना सहित यानी साथ, ऐसे ही परिवार का स परिवार, विनय स विनय, चित्र सचित्र, बल सबल, सम्मान स सम्मान। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। तो ये बात आपने व्याकरण में जरूर पढ़ी होगी कि उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगता है और जो बाद में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं, ए, अन, ने, दु, के, कु, से, सु, अध, बिन, औ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे मूल शब्द है वाक, जिसमें स उपसर्ग लगाने से नया शब्द बना सवाक, ऐसे ही लोचना में सु उपसर्ग लगाने से शब्द बना सुलोचना, फिल्म में प्रत्यय कार लगाया तो बना फिल्म कार, ऐसे ही कामयाब में ई प्रत्यय लगाने से बना कामयाबी। इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको उदाहरण देती हूँ, इसके बाद आपको एक एक शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, एक उपसर्ग का और एक प्रत्यय का जो इस पाठ में आए हैं वो शब्द। जैसे मूल शब्द शत, उपसर्ग लगाया प्रति तो नया शब्द बना प्रतिशत। गीत मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय लगाया कार तो बना गीतकार। समाज, एक प्रत्यय लगने से सामाजिक। नम्र, वी उपसर्ग लगने से बना विनम्र। प्रिय में उपसर्ग लगाया लोक तो नया शब्द बना लोकप्रिय। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए और ये कब बनी थी वो भी बताना है।
आपकी पसंदीदा हिंदी फिल्म का नाम बताइए। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।